मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय अवैध असलाह बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। थाना भोगांव पुलिस व स्वाट टीम के सहयोग से अवैध असलाह बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय ने बताया है कि यह गैर अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो देश व प्रदेश से में अवैध असलाह बनाकर अच्छे दामों में बेचा करते थे। कई जनपदों में इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की बोलेरो बिना नंबर प्लेट, 20 अवैध पिस्तौल, 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शातिर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए कड़ी मशक्कत के साथ चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव के बाद जैसा आप जानते हैं वायलेंस की कई बार शिकायतें मिलती हैं, पोस्ट पोल वायलेंस, उसी क्रम में हमारी जो साइबर टीम इंचार्ज जो विक्रम सिंह है, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, और भोगांव इंचार्ज आर्यन सिंह सीओ, और पूरी टीम जो है इसमें तादाद में चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय जो असलाह तस्कर गिरोह है वो फिर कब्जे में आया। एक बोलेरो गाड़ी प्राप्त हुई, उसकी सर्च के बाद फिर चार अभियुक्त, राज बहादुर जो कि आगरा कराने वाले हैं, और 3 जितेंद्र, दिनेश और राजकुमार, ये मध्य प्रदेश भिंड कराने वाले हैं सब। ये ऐसा तस्कर गिरोह है जिसको दिल्ली पुलिस के ने कुछ समय पहले भी काफ़ी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन अभियुक्तों के पास से 20 कंट्री मेड जो पिस्तौल बरामद हुई है, और ये लेकर के पूर्वांचल के चुनाव को प्रभावित करने के लिए गिरोह अभी पूछताछ जारी है, सप्लाई करने के फिराक में था, लेकिन ये बीच तलाशी के दौरान ये पकड़ लिए गए हैं। और इसे 2 इंट्राइड फोन, 1 बोलेरो गाड़ी, साथ में 20 अवैध पिस्तौल्स, 32 बोर की जो हैं, और साथ में कुछ कारतूस, ये सब आज बरामद किए गए हैं। इनको फिर जेल रवाना किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले भी कई मामलों में इन्हें जेल भेजा जाए। सर, ये खेप कहीं चुनाव से चुनाव को लेकर तो नहीं आई, इसकी खपत तो नहीं होने की चुनाव है? अब पूछताछ जारी है कि पूर्वांचल में किसी गिरोह को सप्लाई करने की खराब। सर, पुलिस टीम को कोई इनाम की घोषणा की जा रही है? पूरी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है, और हमारी तरफ से 25,000 रुपये का रिवार्ड।